अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं चाहिए। और जनाब, मैंने आपको पहले बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि मैं लाहौर आई हुई हूँ, और लाहौर आने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था और जो मैं बहुत अच्छे से करना चाह रही थी, वो थी जनाब आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ओरिगा मॉल का विज़िट। आपको पता है मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो अपलोड की थी ओरिगा मॉल के बारे में, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और अभी तक आ रहे हैं। बहुत से लोग तो बाकायदा मुझसे नाराज़ हो चुके हैं कि यार आप हमें कोई उसके बारे में अपडेट दें, आप हमें फ़ोन नंबर दें, आप हमें ऑनलाइन मंगवाने का हम लोग क्या करें, तो आप हमें इस चीज़ के बारे में बताएँ। तो इसलिए मैंने आज स्पेशल वक्त निकाला है इस चीज़ के लिए कि मैं आपके लिए वहाँ पर जाऊँ। और फिर मैंने वहाँ पे आपको पता है क्रिसमस के डेज थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स पे एक तो रश बहुत ज़्यादा था, और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी आई थिंक से सेलिब्रेशन की गई थी, तो उसके आसार जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहे थे। एनीवेज, हम लोग ओरिगा मार्केट आ चुके हैं, और यहाँ पे जिस शॉप पे मैंने पहले आप लोगों को विज़िट करवाया था, ये बिल्कुल वही शॉप है। और मैं उनके पास गई, जबकि जो भाई पहले थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप भाई साहब आप मुझे फ़ोन नंबर दे दें, और मैं आपको जिन लोगों को भी फ़ोन नंबर चाहिए वो मेरी उनको भी मैं मेंशन कर दूंगी, ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को मेंशन किया था कि यहाँ पर हर ड्रेस की प्राइस जो है वो 1500 है, ईच ड्रेस 1500। वो आपको गर्मियों की वैरायटी भी मिल जाएगी, सर्दियों की वैरायटी भी मिल जाएगी, आपको फैंसी और फैंसी वियर में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये शर्ट और दुपट्टा मिलेगा आपको, यहाँ से ट्राउज़र नहीं मिलेगा। आपको पता है आप जब मार्केट में जाएँ कहीं भी, आप चाहे फैसलाबाद में रहते हैं चाहे आप लाहौर में रहते हैं, कहीं भी आप विज़िट करने के लिए जाएँ, तो आपको सिर्फ शर्ट और दुपट्टा, वो भी आप लेंगे तो आपको इतनी हाई प्राइसेस बताई जाएंगी कि आप उसको कम करवाते हैं। अगर आप बार्गेनिंग भी करते हैं तो उससे भी बहुत कम, 200, 300, 500, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप विज़िट करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाहौर में भी रहते हैं तो उनको भी इस मार्केट का नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कहते हैं ना कपड़े की क्वालिटी, बिल्कुल भी ये नहीं है कि कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरे रिकमेंड करने पर अगर आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवाएंगे तो आप फ़ैन हो जाएंगे मेरे, और आप कहेंगे कि यार वाकई आपको एक बहुत अच्छी जगह बताई है बहुत अच्छी शॉपिंग करने के लिए। तो बल्कि मैं जब वहाँ गई तो मुझे बहुत वहाँ जो अंकल थे तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटे आप हमसे मंगवा लें, और आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट रखें, और जिनको भी ये चाहिए होंगी तो आप हमसे जो है वो फैसलाबाद में जो रहने वाले हैं तो आप उनको अच्छी तरह गाइड कर सकती हैं हमारे बारे में, और ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उन लोगों की भी यही डीलिंग है। तो जनाब, जिस चीज़ को भी इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि उनको किस किस्म की वो वीडियो देखना चाहते हैं या जो जो सभी मटेरियल देखना चाहते हैं। मैंने सारी वैरायटी दिखाने की कोशिश की है, और ये जितने भी आपको ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं इनमें कलर्स और जो कपड़े की जो है ना जो किसको कहते हैं खूबसूरती, ये शेफून है नज़र आ रही, और इंतहाई बारीक और खूबसूरत नरम मुलायम कपड़ा है। और वहाँ पे देख के जब आप जाते हैं ना तो आपका दिल चाहता है कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, यानी कि इतना मेरे रिकमेंड करने पे अगर आप वहाँ का विज़िट करेंगे, अगर आप लाहौर कभी जाएं या आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी शॉपिंग प्लेस जो है वो ये मिल जाएगी वहाँ से शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि मुझे पहले खुद भी नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे पता चला तो मैं यहाँ का ज़रूर विज़िट करती हूँ। बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने खुद भी यहाँ से शॉपिंग की थी अपने भाई की शादी के सिलसिले में। तो जनाब, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे फैंसी वैरायटी है, ये सारी ज़्यादातर फैंसी वैरायटी ही होती है मेहंदी में पहनने के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे हैं, ज़ाहिर है वेडिंग सीज़न में ये बहुत ही आउट क्लास कपड़ा है, ये गोटी वर्क है, और इसमें बहुत ज़्यादा, बल्कि हमने उनको कहा था कि आप हमें इसमें वैरायटी दिखाएं, इसमें कलर्स दिखाएं हमें, तो उसमें उन्होंने हमें बहुत अच्छे बहुत शानदार कलर्स दिखाए थे। ये देखें, ये तो मुझे बहुत ही आउट क्लास लगा था, ये ऑरेंज कलर में बहुत खूबसूरत काम था, बहुत खूबसूरत काम लगा है ये मुझे। और इसमें हम लोगों ने कलर्स भी देखे थे, और जनाब इसके जो कलर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, वो आपको नज़र आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और नफीस वर्क था ये वाला सारा ही, और इसकी बैक सेपरेट होती है, अक्सर बाजू भी सेपरेट होते हैं, और लेकिन यह है कि कपड़ा बिल्कुल भी बर में कम नहीं होता, बल्कि बर में कपड़ा ज़्यादा ही होता है। ये है जनाब पूरे कलर्स, येलो है, पिंक है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, लाइट पर्पल सा भी नज़र आ रहा है। और ये जनाब शॉले हैं, शेफ वेलवेट की शॉल्स हैं, यानी कि वेलवेट की शॉल्स भी वहाँ पे अवेलेबल थी।
ये जनाब एक और, ये मुझे पर्सनली ये वाला जो है ना कपड़ा बहुत पसंद आया था फॉर फ्रॉक बनाने के लिए, तो उसमें भी यानी कि आप लोग अगर सेपरेट ऑर्गेन्जा नेट है ये, और अगर आप फ्रॉक बनाने के लिए या फिर आप साड़ी बनाने के लिए भी यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि साड़ी भी इस ड्रेस में इस कपड़े में बहुत अच्छी बनती है और आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। आई मीन आपको मायूसी नहीं होगी इस जगह का विज़िट करने के बाद, क्योंकि बहुत ही अच्छी मार्केट है। और जनाब जो लोग प्लीज़ मुझसे नाराज़ थे वो अपनी नाराज़गी दूर कर दें और दोबारा से इस वीडियो को जो है वो विज़िट करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी इंशाल्लाह। सॉरी फॉर देट कि मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी में इस हर काम जो है वो साथ साथ चलता है, तो ज़्यादा लाहौर जाने के बावजूद भी मैं यहाँ विज़िट नहीं कर पाई थी, तो लेकिन अब मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए इस जगह को दोबारा विज़िट किया, हालांकि मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। तो ये देखें, आपको बाकी भी कपड़े नज़र आ रहे होंगे, बाकी सारी वैरायटी नज़र आ रही होगी, ये भी सारी नेट है। बल्कि एक अंकल तो मुझे इतना साथ कर रहे थे कि वो मुझे हमें उठने ही नहीं दे रहे थे, वो हर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो नया नया पीस निकाल निकाल के हमें दिखाए थे कि बेटा ये भी देख लो, वीडियो बनाओ इसकी, अच्छी तरह वीडियो बनाओ, आपने इसका बॉर्डर नहीं लिया। तो बड़ी अच्छी वीडियो जो है वो बनवा रहे थे मुझसे, बहुत प्यारी। बल्कि मेरा तो अपना दिल ख़राब होने लगता है कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो बहुत। बल्कि मैं ब्लैक में भी आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी, इसमें ब्लैक भी था और ब्लैक में ये ज़्यादा बल्कि कलर अच्छा लगता है, बारीक तारी का वर्क जो होता है। ये ग्रे में था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा एक और ड्रेस जो है वो कम्प्लीट ड्रेस जो था वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत और नफीस लगते हैं। ये अम्मियों के लिए बड़ा प्यारा लग रहा था, ये अम्मी वेरिंग ड्रेस है ये वाला। तो जनाब और ये है, नेट पे है ये वर्क, और इसको देखिएगा कि ये पूरा अंकल जो है ना वो इसको खोल के दिखाएंगे। ये फ्रंट है, ये बैक है, सॉरी फ्रंट पे काम जो है ना थोड़ा ज़्यादा है, और ये बाजू है आई थिंक, हाँ ये बाजू है। और जनाब इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी लाइट कलर्स हैं और बहुत सॉफ्ट कलर्स में अवेलेबल थे। और जनाब ये अंकल फ्रंट दिखा रहे हैं, फ्रंट देखिए इसका, फ्रंट पे गला भी बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। देखें जी ये पूरा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत। अच्छा मैंने पहले भी मेंशन किया था, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि इसमें ट्राउज़र नहीं है और ये दुपट्टा है जी। आप इसको, आप वैसे तो इन ड्रेसेस पे मज़ीद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी इसके ऊपर कुछ और लगाना चाहते हैं, कोई लेस वगैरह, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन फिर भी आपको रिकमेंड करना हमारा फ़र्ज़ है। ये भी एक और अंकल जाते जाते मुझे एक और वैरायटी दिखा रहे थे कि बेटा ये भी देखो, ये भी बहुत अच्छा है। नो डाउट कि हर दूसरा ड्रेस ही बहुत अच्छा था, मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा विज़िट करूँगी तो दोबारा आपको इसके बारे में अपडेट दूँगी। लेकिन मैंने दो शॉप्स को विज़िट किया था, इन दोनों शॉप्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आप उनसे ये कहेंगे कि भाई आप हमें ड्रेसेस की पिक्स भेजें, तो आप, मैं अपना फ़ोन नंबर जो है वो भी, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं आप अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप लोग उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस किस्म का भी मटेरियल चाहिए होगा वो आपको उसकी पिक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसमें से चॉइस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या आपकी चॉइस है। तो जनाब वहाँ पे आपको अगर आप विज़िट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, विज़िट करने के बाद आपको मायूसी नहीं होगी। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो इतनी ही है, और टाइम नहीं था मैंने बताया पहले ही, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको ये व्लॉग होप्स हो कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अच्छे अच्छे, और शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग नाराज़ हैं वो अपनी नाराज़गी भी दूर कर दीजिएगा प्लीज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में, बहुत अच्छे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, अच्छी अच्छी बातों के साथ, नई ख्वाहिशात के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआएँ जो हैं वो हम सब के लिए ज़्यादा ना हैं, और हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।